करें जो भी अलाउ नहीं है, तो हमें आलमी दुनिया से कोई सर्टिफिकेशंस के प्रॉब्लम जो है वो ना आए, और वो भी इंशाल्लाह ताला जो है वो हमारा जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये एक पूरा सीरीज थी जो हमारी कोविड से मुतल्लिक जो एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपनी जो मुख्तलिफ हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन की खसूसन मिनिस्ट्री है, मैं ज़ुबैदा जलाल साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनकी मिनिस्ट्री के साथ मिलके, फिर जो हमारी स्टैट्स हैं, जो हमारी स्ट्रेटजिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके साथ मिलकर के हमने ये तमाम एक समझिए कि एक वेब क्रिएट की थी अपने इस फैक्शंस के लिए, और अब हम प्राइवेट सेक्टर जो है उसको हम ला रहे हैं कि वो आए बनाएं और बेचें और करें। ये एक पूरा निज़ाम था जो हमने किया। जी शुक्रिया। ये मैंने अभी भी डॉक्टर जफर साहब से बात की है, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इसको थोड़ा अगर एक्सपीडाइट किया जा सके कि किसमें, तो मंडे से उसकी जो अप्रूवल है, अप्रूवल का जो प्रोसेस है वो इंशाल्लाह मंडे से शुरू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, अभी नहीं है, हो जाएगी। हाँ जी, अगर कोई इंपोर्ट की आपने बात, एक्सपोर्ट की बात, हाँ, कहीं मायदा कोई ऑफर आएगी? नहीं, अभी तो हम एक्सपोर्ट नहीं ना करेंगे जब तक हमारी अपनी एनसीओसी हमें कंफर्म ना कर दे कि हमारी अपनी ज़रूरत कंफर्म हो गई है, उसके बाद ही हम एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये वेंटिलेटर्स एक इक्विपमेंट है, इसके साथ दूसरा जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है वो ऑक्सीजनेटर है। ऑक्सीजनेटर जो है वो भी इंशाल्लाह उसकी जो पहली लॉट है वो भी इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हम एनडीएमए के हवाले कर सकेंगे। जी, तो इसको आगे फर्दर एनहांस करने के भी प्लान है या ये यहीं पे इधर तक ही महदूद रहेगा? ये बड़ी, देखें, बड़ी अच्छा आपने बात कर दी। ये जो असल जो कामयाबी है ना हमारी, वो ये है कि अब इससे पाकिस्तान में एक मेडिकल इंडस्ट्री या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग है, इसकी एक पूरी नई फील्ड का आगाज़ हुआ है पाकिस्तान में। तो हम तो अपना कुछ भी नहीं बनाते, हम तो ये अभी भी आप देखें ना, ये हमारे कैमराज हैं, हर चीज़ हम 60 से 90 दिनों में हम। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि फैसलाबाद यूनिवर्सिटी को फुली इक्विप्ड कर दिया गया है कोरोना से बचाने के लिए। जो फेस मास्क बनाए जाते हैं उनके हवाले से अब यहाँ पर तहकीक हुआ करेगी। टेस्टिंग कैपेसिटी जो है उसे 100% तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि यूरोपियन और अमेरिकन जो स्टैंडर्ड्स हैं एक मास्क बनाने के, उनको यहाँ पर जाँचा जाएगा, और अब प्राइवेट सेक्टर को भी मास्क मेकिंग के अंदर पाकिस्तान में लाया जा रहा है। करें जो भी अलाउ नहीं है, तो हमें आलमी दुनिया से कोई सर्टिफिकेशंस के प्रॉब्लम जो हैं वो ना आए, और वो भी इंशाल्लाह ताला जो है वो हमारा जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये एक पूरा सीरीज थी जो हमारी कोविड से मुतल्लिक जो एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपनी जो मुख्तलिफ हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन की खसूसन मिनिस्ट्री है, मैं ज़ुबैदा जलाल साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनकी मिनिस्ट्री के साथ मिलके, फिर जो हमारी स्टैट्स हैं, जो हमारी स्ट्रेटजिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ मिलकर के हमने ये तमाम एक समझिए कि एक वेब क्रिएट की थी अपने इस फैक्शंस के लिए, और अब हम प्राइवेट सेक्टर जो है उसको हम ला रहे हैं कि वो आए बनाएं और बेचें और करें। ये एक पूरा निज़ाम था जो हमने किया। जी शुक्रिया। ये मैंने अभी भी डॉक्टर जफर साहब से बात की है, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इसको थोड़ा अगर एक्सपीडाइट किया जा सके कि किसमें, तो मंडे से उसकी जो अप्रूवल है, अप्रूवल का जो प्रोसेस है वो इंशाल्लाह मंडे से शुरू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, अभी नहीं है, हो जाएगी। हाँ जी, हाँ नहीं, अभी तो हम एक्सपोर्ट नहीं ना करेंगे जब तक हमारी अपनी एनसीओसी हमें कंफर्म ना कर दे कि हमारी अपनी ज़रूरत कंफर्म हो गई है, उसके बाद ही हम एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये वेंटिलेटर्स एक इक्विपमेंट है, इसके साथ दूसरा जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है वो ऑक्सीजनेटर है। ऑक्सीजनेटर जो है वो भी इंशाल्लाह उसकी जो पहली लॉट है वो भी इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हम एनडीएमए के हवाले कर सकेंगे। जी, तो इसको आगे फर्दर एनहांस करने के भी प्लान है या ये यहीं पे इधर तक ही महदूद रहेगा?
ये बड़ी देखें बड़ी अच्छा आपने बात कर दी। ये जो असल जो कामयाबी है ना हमारी वो ये है कि अब इससे पाकिस्तान में एक मेडिकल इंडस्ट्री या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग है, इसकी एक पूरी नई फील्ड का आगाज़ हुआ है पाकिस्तान में। तो हम तो अपना कुछ भी नहीं बनाते, हम तो ये अभी भी आप देखें ना ये हमारे कैमराज हैं, हर चीज़ है, हम 60 से 90 दिनों में हम। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि फैसलाबाद यूनिवर्सिटी को फुली इक्विप्ड कर दिया गया है कोरोना से बचाने के लिए। जो फेस मास्क बनाए जाते हैं उनके हवाले से अब यहाँ पर तहकीक हुआ करेगी। टेस्टिंग कैपेसिटी जो है उसे 100% तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि यूरोपियन और अमेरिकन जो स्टैंडर्ड्स हैं एक मास्क बनाने के, उनको यहाँ पर जाँचा जाएगा। और अब प्राइवेट सेक्टर को भी मास्क मेकिंग के अंदर पाकिस्तान में लाया जा रहा है। करें जो भी अलाउ नहीं है तो हमें आलमी दुनिया से कोई सर्टिफिकेशंस के प्रॉब्लम जो है वो ना आए, और वो भी इंशाल्लाह ताला जो है वो हमारा जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये एक पूरा सीरीज थी जो हमारी कोविड से मुतल्लिक जो एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपनी जो मुख्तलिफ हमारी जो मिनिस्ट्रीज हैं, हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन की खसूसन मिनिस्ट्री है, मैं ज़ुबैदा जलाल साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनकी मिनिस्ट्री के साथ मिल के, फिर जो हमारी स्टैट्स हैं जो हमारे स्ट्रेटजिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलकर के हमने ये तमाम एक समझिए कि एक वेब क्रिएट की थी अपने इस फैक्शंस के लिए। और अब हम प्राइवेट सेक्टर जो है उसको हम ला रहे हैं कि वो आए बनाएं और बेचें और करें। ये एक पूरा निज़ाम था जो हमने किया। जी शुक्रिया। ये मैंने अभी भी डॉक्टर जफर साहब से बात की है और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इसको थोड़ा अगर एक्सपीडाइट किया जा सके कि किसमें, तो मंडे से उसकी जो अप्रूवल है, अप्रूवल का जो प्रोसेस है वो इंशाल्लाह मंडे से शुरू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं अभी नहीं है, हो जाएगी। हाँ जी, नहीं अभी तो हम एक्सपोर्ट नहीं ना करेंगे जब तक हमारी अपनी NCOC हमें कंफर्म ना कर दे कि हमारी अपनी ज़रूरत कंफर्म हो गई है, उसके बाद ही हम एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये वेंटिलेटर्स एक इक्विपमेंट है, इसके साथ दूसरा जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है वो ऑक्सीजनेटर है। ऑक्सीजनेटर जो है वो भी इंशाल्लाह उसकी जो पहली लॉट है वो भी इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हम NDMA के हवाले कर सकेंगे। जी ये बड़ी देखें बड़ी अच्छा आपने बात कर दी। ये जो असल जो कामयाबी है ना हमारी वो ये है कि अब इससे पाकिस्तान में एक मेडिकल इंडस्ट्री या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग है, इसकी एक पूरी नई फील्ड का आगाज़ हुआ है पाकिस्तान में। तो हम तो अपना कुछ भी नहीं बनाते, हम तो ये अभी भी आप देखें ना ये हमारे कैमराज हैं, हर चीज़ हम 60 से 90 दिनों में हम। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि फैसलाबाद यूनिवर्सिटी को फुली इक्विप्ड कर दिया गया है कोरोना से बचाने के लिए। जो फेस मास्क बनाए जाते हैं उनके हवाले से अब यहाँ पर तहकीक हुआ करेगी। टेस्टिंग कैपेसिटी जो है उसे 100% तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि यूरोपियन और अमेरिकन जो स्टैंडर्ड्स हैं एक मास्क बनाने के, उनको यहाँ पर जाँचा जाएगा। और अब प्राइवेट सेक्टर को भी मास्क मेकिंग के अंदर पाकिस्तान में लाया जा रहा है। करें जो भी अलाउ नहीं है तो हमें आलमी दुनिया से कोई सर्टिफिकेशंस के प्रॉब्लम जो है वो ना आए, और वो भी इंशाल्लाह ताला जो है वो हमारा जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये एक पूरा सीरीज थी जो हमारी कोविड से मुतल्लिक जो एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपनी जो मुख्तलिफ हमारी जो मिनिस्ट्रीज हैं, हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन की खसूसन मिनिस्ट्री है, मैं ज़ुबैदा जलाल साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनकी मिनिस्ट्री के साथ मिल के, फिर जो हमारी स्टैट्स हैं जो हमारी स्ट्रेटजिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलकर के हमने ये तमाम एक समझिए कि एक वेब क्रिएट की थी अपने इस फैक्शंस के लिए। और अब हम प्राइवेट सेक्टर जो है उसको हम ला रहे हैं कि वो आए बनाएं और बेचें और करें। ये एक पूरा निज़ाम था जो हमने किया। जी शुक्रिया। ये मैंने अभी भी डॉक्टर जफर साहब से बात की है और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इसको थोड़ा अगर एक्सपीडाइट किया जा सके कि किसमें, तो मंडे से उसकी जो अप्रूवल है, अप्रूवल का जो प्रोसेस है वो इंशाल्लाह मंडे से शुरू हो जाएगा।
सर वेंटिलेटर बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। एक हफ्ते एक महीने में कह रहे हैं नहीं अभी नहीं है, हो जाएगी, हो जाएगी। हाँ जी, अगर कोई इंपोर्ट की आपने बात, एक्सपोर्ट की बात, हाँ कहीं फायदा कोई ऑफर आई नहीं? अभी तो हम एक्सपोर्ट नहीं ना करेंगे जब तक हमारी अपनी एनसीओसी हमें कंफर्म ना कर दे कि हमारी अपनी ज़रूरत कंफर्म हो गई है, उसके बाद ही हम एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये वेंटिलेटर्स एक इक्विपमेंट है, इसके साथ दूसरा जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है वो ऑक्सीजनेटर है। ऑक्सीजनेटर जो है वो भी इंशाल्लाह उसकी जो पहली लॉट है वो भी इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हम NDMA के हवाले कर सकेंगे। ये जो बेसिकली प्रोसेस स्टार्ट हुआ है इलेक्ट्रोमेडिकल डिवाइसेस का वेंटिलेटर से, ये बड़ी, देखें बड़ी अच्छा आपने बात कर दी। ये जो असल जो कामयाबी है ना हमारी वो ये है कि अब इससे पाकिस्तान में एक मेडिकल इंडस्ट्री या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग है, इसकी एक पूरी नई फील्ड का आगाज़ हुआ है पाकिस्तान में। तो हम तो अपना कुछ भी नहीं बनाते, हम तो ये अभी भी आप देखें ना, ये हमारे कैमराज हैं, हर चीज़ हम 60 से 90 दिनों में हम। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि फैसलाबाद यूनिवर्सिटी को फुली इक्विप्ड कर दिया गया है कोरोना से बचाने के लिए। जो फेस मास्क बनाए जाते हैं उनके हवाले से अब यहाँ पर तहकीक हुआ करेगी। टेस्टिंग कैपेसिटी जो है उसे 100% तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि यूरोपियन और अमेरिकन जो स्टैंडर्ड्स हैं एक मास्क बनाने के, उनको यहाँ पर जाँचा जाएगा। और अब प्राइवेट सेक्टर को भी मास्क मेकिंग के अंदर पाकिस्तान में लाया जा रहा है।